सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में जॉस बटलर की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने जीता 99% हारा हुआ मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच IPL 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहाँ पर जॉस बटलर के तूफानी शतक के बदौलत राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों, आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला श्रेयस अय्यर ने, लेकिन यह सिक्का गिरा संजू सैमसन के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया KKR की टीम को। फिल सॉल्ट और नारायण पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, यहां पर दूसरे ओवर की पांचवी गेंद पर नारायण के बल्ले से निकले एक शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज इस टीम के लिए हो गया, लेकिन इसके बाद फिल सॉल्ट के रूप में पहला झटका। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर आवेश खान ने कोटिन बोल्ड करके पेवलियन भेज दिया सेल्ट को, और पहली सफलता राजस्थान रॉयल्स की टीम को मिल गई। सेल्ट की हम बात करें तो 13 गेंदों का सामना करने के बाद वो 10 रन बनाकर पेवलियन लौटे, लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर सुनील नारायण के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को ऑफसाइड में शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए भेजा। इसके बाद पाँचवें ओवर की पहली गेंद पर रघुवंशी के बल्ले से भी मिड विकेट की तरफ एक और कमाल का चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, उन्होंने ट्रेंट बोल्ट के पांचवें ओवर की पांचवी गेंद पर भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका लगाने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा रघुवंशी ने, और बैक टू बैक दो बेहतरीन चौके इस ओवर में उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर छठे ओवर की पहली गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी जारी रही सुनील नारायण की, और यहाँ पर एक कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला कुलदीप सेन की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने ऑफसाइड में एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था, तभी दोस्तों सातवां ओवर डालने आए यूजी चहल की चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार चौका जड़ने में कामयाब हुए अंग क्रिस रघुवंशी। इन्होंने भी इस बार पिक शॉट को शानदार तरीके से चौके के भेजा। तो वहीं पर आठवें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका सुनील नारायण के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उन्होंने एक और चौका लगाकर शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप 26 गेंदों पर ही पूरी कर डाली इन दोनों बल्लेबाजों ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, सुनील नारायण ने शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन इसी बीच अंग क्रिस रघुवंशी के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद यहां पर नौवां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल की आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का सुनील नारायण के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को ऑफ साइड में छक्के के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भेज दिया। इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सुनील नारायण ने अपना बेहतरीन अर्धशतक छक्के के साथ पूरा किया, लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे अंग क्रिस को 11वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप सेन ने पेवलियन भेज दिया। कुलदीप की गेंद पर यहां पर शानदार कैच पकड़ा अश्विन ने, और 18 गेंदों पर शानदार 30 रनों की पारी खेलकर पेवलियन लौटे अंग क्रिस रघुवंशी। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे श्रेयस अय्यर, लेकिन इसी बीच 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का देखने को मिला सुनील नारायण के बल्ले से, जहाँ पर उन्होंने आउटसाइड ऑफ छक्का के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। शानदार परफॉर्मेंस रहा इस ओवर में उनका, लेकिन इसी बीच 13वें ओवर की पांचवी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जमा दिया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर यूजी चहल ने शानदार वापसी की और श्रेयस अय्यर को LBW आउट करके पेवलियन भेज दिया, और राजस्थान रॉयल्स की टीम को एक और सफलता दिला दी। 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेवलियन लौटे श्रेयस अय्यर। इसके बाद दोस्तों, आंद्रे रसल ने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप सेन की गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद सुनील नारायण ने आक्रामक बल्लेबाजी की, 15वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का युजवेंद्र चहल की गेंद पर लगाया, तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों, ओवर की पांचवी गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, और इसके बाद चौके के साथ उन्होंने अपने
आईपीएल इतिहास की पहली सेंचुरी जड़ दी। कमाल की बल्लेबाजी रही यहां पर सुनील नारायण की, और कमाल का ही इनका शतक रहा जो राजस्थान के गेंदबाजों के ऊपर भारी पड़ा। उनके शतक के बाद दोस्तों यहां पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर आवेश खान ने आंद्रे रसल को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेज दिया। यहाँ पर आंद्रे रसल 10 गेंदों पर 13 ही रन बना पाए और वो भी पेवलियन लौटे। इसके बाद सुनील नारायण की पारी को समाप्त किया ट्रेंट बोल्ट ने, जब उन्होंने 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण को बोल्ड करके पेवलियन भेजा। सुनील नारायण ने मात्र 56 गेंदों पर 109 रनों की कमाल की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 6 छक्के शामिल थे और एक कमाल की पारी खेलकर वो पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रीज पर उतरे रिंकू सिंह, जिनसे भी बड़ी उम्मीद थी इस मुकाबले में रनों की, तो उन्होंने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर आवेश खान की गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये कमाल का शॉट था। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने भी शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों बिस्वा आउट डालने आए कुलदीप सेन की दूसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे वेंकटेश अय्यर, लेकिन इस बार वो अपना कैच ध्रुव जुरेल को थमा बैठे और इस मुकाबले में वो 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक शानदार छक्का 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप सेन की गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से रिंकू सिंह ने छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 20 ओवर में 223 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और 224 रनों का लक्ष्य राजस्थान के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यशस्वी और जोस बटलर पारी की शुरुआत करने उतरे, तो स्टार के पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज कर दिया यहां पर यशस्वी जायसवाल ने। तो इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए वैभव अरोरा की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को मैक्सिमम के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और 82 मीटर का शानदार छक्का यशस्वी ने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर यशस्वी जायसवाल के रूप में यहां पर पहला झटका लगा दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर, जब वैभव अरोरा की गेंद सीधे वेंकटेश अय्यर के हाथों स्लिप में गई और यहाँ पर पहला झटका राजस्थान रॉयल्स को लगा, जहाँ यशस्वी जायसवाल 9 गेंदों पर 19 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर जोस बटलर के बल्ले से एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखने को मिला। तो इसके बाद संजू सैमसन ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका मिडोन की तरफ जड़ दिया। ये बैक कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की इस अगली गेंद पर मिड विकेट की तरफ उन्होंने फ्लिक शॉट के जरिए एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद पाँचवा ओवर डालने आए हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को यहाँ पर सुनील नारायण के हाथों कैच करा कर पेवलियन भेज दिया और राजस्थान रॉयल्स की टीम को दूसरा झटका वह करारा झटका दिया, क्योंकि कप्तान संजू सैमसन पेवलियन लौटे, जिन्होंने 8 गेंदों पर 12 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए रियान पराग ने भी एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर जोस बटलर ने, जो कि फ्री हिट गेंद थी जिस पर शानदार छक्का जड़ा, छठे ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री रोप पार कराया और शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार मैक्सिमम देखने को मिला रियान पराग के बल्ले से भी, जहां पर उन्होंने भी गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 23 रन बटोरे, जिसके चलते पावर प्ले में ही राजस्थान रॉयल्स की टीम ने शानदार तरीके से 76 रन बना लिए। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की पहली गेंद पर रियान पराग ने हर्षित राणा की गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक फ्लैट छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप जोस बटलर के साथ पूरी कर डाली मात्र 23 गेंदों पर। इसके बाद दोस्तों वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे इसी ओवर की 5वीं गेंद पर, लेकिन इस पर आंद्रे रसल को अपना कैच थमा बैठे और रियान पराग एक अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन आखिरकार 14 गेंदों पर 34 रन बनाकर वो पेवलियन लौटे और राजस्थान रॉयल्स की टीम को बड़ा झटका लगा। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने LBW आउट करके ध्रुव जुरेल को भी पेवलियन भेज दिया। ध्रुव भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए टीम के लिए आज, और सिर्फ 4 गेंदों का सामना करने के बाद वो सुनील नारायण का शिकार बने और 2 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन को भेजा गया, लेकिन यहाँ पर अश्विन सिर्फ एक ही चौका लगा पाए और इसके बाद एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन 13वें ओवर की पहली गेंद पर वो रघुवंशी को अपना कैच थमा बैठे और 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर
पेवलियन लौटे रविचंद्रन अश्विन भी। इसके बाद सिमरन हेटमायर क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनको भी पेवलियन की राह दिखा दी शानदार गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने। वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर सुरेश अय्यर ने शानदार कैच पकड़ा और सिमरन हेटमायर गोल्डन डक पर ही चलते बने। अब राजस्थान रॉयल्स के लिए बची हुई 42 गेंदों पर 99 रनों की जरूरत थी मुकाबला जीतने के लिए। इसके बाद दोस्तों जॉस बटलर ने शानदार खेल दिखाया 15वें ओवर में और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर चौके के साथ 36 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इस ओवर में उनके बल्ले से शानदार तरीके से 4 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स के इन बल्लेबाजों ने इस ओवर में 17 रन बटोर लिए। और इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से 16वां ओवर डालने आए आंद्रे रसल के ओवर को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया रोमन पावेल ने। इस ओवर में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर लॉन्ग लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की शानदार बल्लेबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर जॉस बटलर ने भी एक और शानदार छक्का जड़ दिया और इस ओवर को भी पूरी तरीके से राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में डाल दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। और शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों सुनील नारायण के ओवर में 2 बेहतरीन छक्के रोमन पावेल के बल्ले से देखने को मिले, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने रोमन पावेल को यहां पर LBW आउट करके पेवलियन भेज दिया। उन्होंने 13 गेंदों पर 26 रन बनाए, लेकिन इसके बाद अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी जॉस बटलर के ऊपर। इसी बीच 18वां ओवर डालने आए स्टार्क की पहली गेंद पर शानदार छक्का जॉस बटलर के बल्ले से स्ट्रेट लॉन्गोन के ऊपर से देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ा। लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर वो 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर ट्रेंट बोल्ट रन आउट हो गए दूसरे छोर पर, लेकिन स्ट्राइक एक बार फिर से आ गई जॉस बटलर के पास। हम बात करें बोल्ट की तो वो शून्य पर ही आउट हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार वाइड का चौका देखने को मिला। इस वाइड के चौके ने इस मुकाबले को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला जॉस बटलर के बल्ले से, लेकिन इसके बाद आखिरी गेंद पर उन्होंने सिंगल ले लिया, जिसके चलते अब आखिरी 2 ओवर में मुकाबला जीतने के 28 रनों की जरूरत थी राजस्थान रॉयल्स की टीम को। तो वहीं पर दोस्तों 19वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा। हर्षित राणा पहली गेंद डालने के लिए आए तो एक स्लोअर गेंद उन्होंने डाली, लेकिन इसके लिए पूरी तरीके से तैयार थे जॉस बटलर और उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 76 मीटर दूर शानदार छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। अब 11 गेंदों पर 22 रन चाहिए थे, लेकिन दूसरी गेंद डॉट रही। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लॉन्गोन की तरफ देखने को मिला। एक बेहतरीन चौके के साथ ही मुकाबला अब राजस्थान रॉयल्स की तरफ पलटता हुआ नजर आया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की ही 4थी गेंद पर एक और शानदार छक्का इस बार देखने को मिला बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से जॉस बटलर के बल्ले से, और इस छक्के के साथ ही अब राजस्थान रॉयल्स की टीम को आखिरी 7 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत थी, तभी उन्होंने 1 रन ले लिया। तो वहीं पर अब चाहिए थे आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 9 रन राजस्थान रॉयल्स की टीम को। लेकिन दोस्तों यहां पर अब गेंद सौंपी गई वरुण चक्रवर्ती को आखिरी ओवर डालने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से तैयार थे जॉस बटलर भी इस आखिरी ओवर का सामना करने के लिए। तो दोस्तों आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर जॉस बटलर ने लॉन्गोन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस छक्के के साथ ही जॉस बटलर ने अपना एक और शतक जड़ दिया और इस सीजन का ये उनका दूसरा जबकि IPL का 7वां शतक जड़ दिया। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी यहां पर 3 लगातार डॉट गेंदें देखने को मिली। इन 3 डॉट गेंदों के बाद अब मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन तभी 4थी गेंद पर 2 रन लेने में कामयाब हुए यहाँ पर एक बार फिर से जॉस बटलर, जिसके चलते अब आखिरी गेंद पर मुकाबला जीतने के लिए 1 रन की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों इस 1 रन की जगह पर एक बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला जॉस बटलर के बल्ले से और राजस्थान रॉयल्स ने इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले को 2 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों आपको जॉस बटलर की यह बल्लेबाजी कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।